बात करते हैं आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में। तो प्रभास की पैन इंडिया फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर ने रिलीज होने के साथ ही एक ऐसा व्यूज का रिकॉर्ड बनाया है जो शायद अब कोई दूसरी फिल्म तोड़ पाएगी। दरअसल 9 मई को आदि पुरुष का ट्रेलर रिलीज करा गया था और इसने अपने 24 घंटों के अंदर केवल हिंदी से 52 मिलियन व्यूज हासिल किए, जो अब तक किसी भी इंडियन फिल्म के ट्रेलर में सबसे ज्यादा व्यूज है। और बात करें सभी भाषाओं के ट्रेलर पर व्यूज की तो ये आंकड़ा 70 मिलियन तक पहुंचा है, जो भी एक रिकॉर्ड बन गया है। तो अब देखना होगा कि क्या आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाल कर पाती है, क्या 600 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म पब्लिक को अच्छे विजुअल दे पाती है या नहीं। दूसरी खबर अजय देवगन की नई फिल्म को लेकर है। दरअसल दृश्यम 2 की अपार सफलता के बाद अब अजय देवगन और अभिषेक पाठक एक साथ एक और सस्पेंस थ्रिलर फिल्म में साथ दिखाई देने वाले हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि इस फिल्म का अभी प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है और जून से इसकी शूटिंग मुंबई, मसूरी और लंदन में करी जाएगी और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर विकास बहल। बात करें तीसरी अपडेट के बारे में तो कहा जा रहा है कि डायरेक्टर आदित्य धार की सुपर हीरो फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा में लीड रोल के लिए अब जियो स्टूडियो अल्लू अर्जुन के साथ बातें कर रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि जियो स्टूडियो ने रणवीर सिंह और विकी कौशल को इस फिल्म में लेने से मना कर दिया है क्योंकि वो इसमें किसी पैन इंडिया एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या अल्लू अर्जुन इस मूवी में काम करने के लिए हाँ बोलते हैं या नहीं। चौथी खबर अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू को लेकर है। दरअसल पहले इस मूवी का टाइटल कैप्सूल किल रखा गया था, मगर अब इसे बदलकर द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रखा गया है। आपको बता दूं कि यह मूवी एक सच्ची घटना पर बनी फिल्म है जिसकी कहानी 1989 के टाइम की होने वाली है और इसमें अक्षय कुमार के साथ परिंदी चोपड़ा भी दिखाई देगी और यह फिल्म इस साल के आखिरी में रिलीज हो सकती है। और बात करें पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में तो साल 2021 में आई मलयालम फिल्म मिन्ना मुलाड़ी के मेकर्स का कहना है कि वो जल्द इस फिल्म के पार्ट 2 पर काम शुरू करने वाले हैं और इस बार दूसरा पार्ट अपने पहले पार्ट के मुकाबले काफी ज्यादा बजट में बनाया जाएगा और मेकर्स का यह भी कहना है कि वो इस बार पार्ट 2 को पैन इंडिया रिलीज करेंगे।